वेलकम टू द माई शो ट्रू लव स्टोरी सीजन वन। मेरा नाम है कोमल और आज हम बात करने वाले हैं मेरी लाइफ की ट्रू लव स्टोरी के बारे में, कैसे हम मिले थे और कैसे शुरू हुई थी हमारी कहानी। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। मुझे आज भी याद है हमारी पहली मुलाकात, जब मैंने राहुल को पहली बार देखा ऑफिस में। मेरी जॉब का पहला दिन था वो। पीछे से एक आवाज आई, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था, ऊंचा कद, घुंघराले बाल और ब्राउन रंग। हाय, क्या हैंडसम लग रहा था वो। दिवाली वेकेशन की छुट्टियां खत्म करके वो आज ही लौटा था ऑफिस। ऑफिशियल इंट्रो करवाने के बाद हम साथ में काम किया करते थे। साथ में काम करते करते हम अच्छे दोस्त बन गए थे। ये ऑफिस के कलीग वाली दोस्ती से फिर हमारी दोस्ती कुछ आगे बढ़ गई थी। हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स और हैप्पीनेस की बातें करने लगे थे, पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करने लगे थे और धीरे धीरे बातें इस कदर बढ़ गई थी हमारी कि मैं घर जाके रात को उसके साथ चैटिंग भी करने लगी थी। मानो जैसे आज के दौर में कहा जाए तो हम बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। पर हमारी दोस्ती से ना जलने वाले भी बहुत हो गए थे ऑफिस में, पर हमें कहाँ परवाह थी किसी की। फिर एक दिन राहुल ना मुझे प्रपोज कर देता है, तो मैंने उसे कुछ आंसर देने की बजाय उससे बात करना ही बंद कर दिया था। कुछ दिनों का टाइम देने के बाद उसने सामने से एक दिन आके बात करी मुझसे। क्या हुआ, क्यों बात नहीं कर रही और क्यों इग्नोर कर रही है मुझे? मैंने तुझे प्रपोज कर दिया इसलिए। मैंने फिर भी उसे इग्नोर किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती मुझसे बात की कि बोलो क्या बात है, हम सोल्व कर सकते हैं ना एक दूसरे से बात करके। फिर हम बैठ गए थे बात करने के लिए। देख यार राहुल, हम अच्छे दोस्त है ठीक है, उसमें तुम मुझे प्रपोज नहीं कर सकते, हम किसी रिश्ते में नहीं बन सकते। और मेरे ना लाइफ में बहुत कुछ करने के सपने हैं, मुझे बहुत कुछ बनना है, मेरी लाइफ में ड्रीम्स है, मेरे गोल है, मुझे पूरे करने हैं। अभी मैं शादी या फिर अफेयर्स के बंधनों में नहीं बन सकती। तो उसने कुछ ना बोल के सिर्फ मुस्कुरा दिया और बोला, किसने बोला कि एक रिलेशनशिप में होकर तुम्हें मैं बांध दूंगा, तुम्हारे गोल्स या सपने पूरे नहीं करने दूंगा। नहीं यार, हम आज भी दोस्त हैं, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, तुझे जो बनना है तू बन, मैं तुझे कभी बांधूंगा नहीं। और मेरे प्यार का मतलब यह नहीं है कि मुझे मेरे घर में बिठाने के लिए कोई बहू रानी चाहिए, ठीक है। आई नो वेरी वेल कि तू वर्किंग पर्सन है, तो तुझे मैं घर में बिठाऊंगा ये तूने सोच भी कैसे लिया? ठीक है, अगर तुझे मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, पर हम दोस्त तो रह ही सकते हैं। और फिर मैंने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं तुझे पसंद नहीं करती हूँ, पर मैं अभी इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं हूँ। उसने कहा, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। फिर वापिस हम जैसे थे वैसे दोस्त बन गए। फिर मैंने उसको ना एक पार्टनर की नजर से देखना शुरू किया। काफी लंबा वक्त ले लिया था मैंने उसके प्रपोजल को हाँ बोलने में, लेकिन मुझे परफेक्ट लगा वो मेरे लिए, क्योंकि मैं जिस तरह की लड़की थी ना कि जिसको घर के काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको बस इंटरेस्ट था तो उसकी लाइफ में करियर बनाने, और वो भी ऐसा बंदा था कि पूरा सपोर्टिव, तुम जो कर रहे हो जहाँ जरूरत तुम्हें मेरी है वहां मैं हेल्प करूंगा। और ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं थी, ये मैंने खुद नोट किया था उस टाइम पे। वो सपोर्ट भी करता था मुझे हर बात के लिए। फिर एक दिन उसने मुझे बोला, चल यार आज कोई ना अच्छी सी मूवी देख के आते हैं। फिर मूवी देखने के बाद हम लोगों ने अच्छा खासा लंच किया। लंच के बाद ना मैंने उसे सामने से बोल दिया, मुझे तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट है, मेरी कुछ शर्तें हैं। देख, मैं अभी तो शादी नहीं कर सकती तुमसे, मैं 5 साल तक शादी नहीं करूंगी। मैं जब तक मेरी लाइफ में कुछ बन ना जाऊं, कुछ नाम ना कमा लूं, तब तक मैं शादी नहीं कर सकती। उसका जवाब था, मुझे भी नहीं करनी अभी शादी, मुझे भी करियर बनाना है। दोनों साथ में करियर बनाएंगे, साथ में नाम कमाएंगे और उसके बाद करेंगे शादी। जब तक शादी नहीं करते तब तक रिलेशनशिप में रहेंगे, जानेंगे एक दूसरे को और थोड़ा। तो ये थी हमारी फर्स्ट डेट।
मुझे आज भी याद है, हम दोनों ने ना कितना प्रैक्टिकल डिसीजन लिया था, है ना। लोग पहली डेट पे चांद तारे तोड़ने की बातें करते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा या मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगी, बट हम दोनों ने ना प्रैक्टिकल डेट की थी। बहुत कम लोग ऐसी डेट करते होंगे, है ना। बट मेरी मानो ना तो लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए उसकी खूबसूरती नहीं देखी जाती, उसका पॉकेट भी नहीं देखा जाता, देखा जाता है कि उसकी मेंटालिटी क्या है, उसका नेचर क्या है। क्योंकि पैसे और खूबसूरती ना थोड़ी देर ही अच्छी लगती है, जीना तो आपको उसके नेचर के साथ है, उसके माइंडसेट के साथ। तो क्यों ना हम पार्टनर की चॉइस आज के जमाने के लोगों की तरह करें, जो प्रैक्टिकल भी है, इमोशनल भी है, रोमांटिक भी है। आज का ये एपिसोड हम यहाँ पे खत्म करते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है उसमें हम बात करेंगे हमारी दोस्ती से लेके हमारी शादी तक की जर्नी के बारे में। दिल से शुक्रिया दोस्तों हमारे ये ऑडियो एंड तक सुनने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।